देखते हैं जो भी जो भी हाई क्लास पीपल है उनको समझ में आता है, जो भी रूरल में रहते हैं या उनके लिए ये टैरो कार्ड रीडर उनको समझ नहीं आता, उनके लिए कुछ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। फर्स्टली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हमारा होल आइडिया है कि लोगों की मदद कीजिए किसी ना किसी मीडियम के द्वारा। तो टैरो कार्ड बेसिकली एक मीडियम है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोगों की मदद कर सके, उनके कोई प्रॉब्लम्स है तो उनके साथ चल सके तब तक जब तक उनको ज़रूरत हो, नॉट दैट कि वो हम पे डिपेंडेंट हो जाए। तो हम उनको बेसिकली केपेबल बनाते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लीजिए या फिर आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा, अलग बना देगा। सो दैट इज टैरो कार्ड बेसिकली एक मीडियम, एक गाइडेंस की हो क्या रहा है और करना क्या चाहिए कार्ड्स के द्वारा। तो इस पर कितना परसेंट बिलीव करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? जैसे मोस्ट ऑफ देम नो, मोस्ट पीपल नो कि टैरो कार्ड आप बोल लीजिए, एस्ट्रोलॉजी आप बोल लीजिए, हर्ब्स के साथ काम करना आप बोल लीजिए, ये सारा चीज़ें साइंस है। ठीक है, जब हम प्रेडिक्ट करते हैं इट्स 99.99, व्हाई आई से 99, बिकॉज दैट 1% वर्क करता है कि आप अपने डॉक्टर, अपने हीलर, अपने थेरेपिस्ट के साथ कैसे एज अ टीम वर्क करते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है या आप टू लेजी हो, आप मेडिकेशन प्रॉपरली ले नहीं रहे हो, देन ऑब्वियसली वो 1% चांस होता है कि थिंग्स मे नॉट वर्क एज इट इज प्लान। बात की जाए तो क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं जी बहुत लोग बोलते हैं ये बहुत वीक है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? टैरो कार्ड्स बेसिकली कार्ड्स एक ऐसा मीडियम है जो आपके ऑरा, जो एनर्जी है उस पर काम करता है। तो हम जो प्रेडिक्शन करते हैं, सबसे पहले हमको ये सिखाया जाता है कि हर एक इंसान अपने आसपास एक ऑरा, एक एनर्जी, एक एनवेलप कैरी करता है। सो आपके लाइफ में अच्छा बुरा जो भी होगा, पहले हम जो देखते हैं वो एनवेलप में सीपन होता है और फिर एक्चुअल एक्शंस में। तो टैरो कार्ड आपकी एनर्जी रीड करता है। सो when something reads on your energy or predicts from your energy, I think that is 100%. वो कैसे कुछ झूठ बोलेगा या vibrations आपकी कैसे झूठ बोलेंगी? So I would say tarot card एक medium है जो आपका energy read करता है, आपको guide करता है। तो ऐसा कोई tips आप देना चाहेंगे audience को, क्योंकि हर कोई tarot card reader के पास नहीं जाता। Right। तो ऐसा कोई tips audience के लिए जो कि like वो अपने daily use में use कर सके? बिल्कुल। काफी time हम इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं हमारे अर्ली मॉर्निंग रिजीम को। जब हम सुबह उठते हैं क्या हमें करना चाहिए, हम उठते हैं घड़ी देखते हैं, भागते हैं, रेडी होते हैं, जॉब के लिए निकल जाते हैं या डेली चोर्स में, खाना बनाने में, एक्स वाई जी में या फिर स्कूल जाने में बिजी हो जाते हैं। पर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा दिन कैसे स्टार्ट हो रहा है, हमारे दिन की शुरुआत विल शो कि पूरा दिन हमारा कैसा रहेगा, हमारी एनर्जीज कैसे वर्क करेंगी। तो आप जब सुबह उठते हैं, आपका हैंड, आपके हाथ, आपकी हथेलियाँ बहुत मैजिकल है, क्या चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, कैसे मैनिफेस्ट होंगी ये आपके हाथों पे। तो आप सुबह सुबह उठिए, पॉजिटिवली अपने हाथों को बोलिए जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वही एनर्जी आप अपने बॉडी पे, अपने चेहरे पे लगाइए एब्जॉर्ब करने के लिए। इस तरीके से आप मॉर्निंग की शुरुआत कीजिए। सेकेंडली 2-5 मिनट आप मेडिटेट कीजिए ताकि अपनी एनर्जी आप काम डाउन करें, ताकि कोई अगर सिचुएशन हो उसको आप हैंडल कर सके या चीज़ों को बेहतर समझ सके, हैंडल कर पाए। फिर थर्डली आप क्या खाते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर्ब्स जो है 5 एलिमेंट वर्क करता है आपके बॉडी में। तो आप जो चाय पीते हैं, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है आप जिंजर डालिए, हनी डालिए स्टेबिलिटी और पावर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मनी पुल करना चाहते हैं तो आप सिनेमन डालिए। अगर आप लव एनर्जी चाहते हैं तो रोज़ डालिए आपके टी में। तो आप किस चीज़ को कैसे खाते हैं, ऑल्सो आपके एनर्जी, जब आप पानी पीते हैं, अगर आप गुस्से में, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि पानी हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड इमोशंस, आप क्या बोलते हैं, गुस्से में पी रहे, नफ़रत से पी रहे या प्यार से पी रहे, मेडिटेट करके पी रहे, तो पानी में जो एनर्जी डालते हैं, खाने में जो एनर्जी डालते हैं वो आपके बॉडी में जाता है। सो बहुत केयरफुली खाना जो आप खाते हैं, चाय जिस तरीके की आप पीते हैं, बहुत केयरफुली सिलेक्ट करके खाना या पीना चाहिए। दिस विल हेल्प। आज के यूथ को हेल्दी रहने के लिए क्या टिप्स देंगी?
आज के यूथ को व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर बिजी स्ट्रेसफुल लाइफ, वन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें, टू जैसे मैंने आपसे कहा कि आप खाने पे ध्यान दें कि आप खाना किस एनर्जी से आप खा रहे, थर्डली आपकी ड्रेसिंग एंड द कलर्स दैट यू वेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट, यू वॉन्ट टू से योर बॉडी लैंग्वेज टू स्पीक पावर या क्रिएटिविटी, आप रेड्स पहनिए, आप ऑरेंज पहनिए, आप येलोज पहनिए. अगर आपके केबिन में डायरेक्शंस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो पावरफुल डायरेक्शन में आप बैठे हैं तो आप प्रॉपर डायरेक्शन चूज कीजिए. आपके पीछे क्या है, लाइक इफ यू आर सिटिंग इन अ केबिन और पीछे विंडो है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप सपोर्ट मिस करते हैं जिसके वजह से आपके एक्शंस में या बॉडी लैंग्वेज में कई बार डिफरेंस आ जाती है. सो यू टेक केयर दैट यू हैव अ दीवार वेयर यू आर सिटिंग सो दैट यू फील सपोर्टेड इन जो भी आप काम करें. फिर आपके आसपास आपने क्या फोटो लगाया हुआ है, सो दैट विल ऑल्सो, अगर आप मारामारी की एनर्जीज रखते हैं या अगर आप स्ट्रेसफुल चीज़ें देखते हैं या हमेशा कैलेंडर लटका हुआ है, देर इज़ नो म्यूजिक, तो आप वही एनर्जी में काम करेंगे एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी यू विल बिल्ड अराउंड यू. इंस्टेड अगर आप अपने रूम में यू पुट नाइस हेल्दी पिक्चर्स, नाइस फ्लावर्स, हॉर्स विच इज़ लाइक यू नो कॉन्सेंट्रेशन, फास्ट मूविंग एनर्जी, ह्यूमन हेड विच इज़ अगेन थिंकिंग, गणेशा अगर आप नॉर्थ में लगाते हैं क्योंकि गणेशा सिंबलाइज थिंकिंग एनर्जी, लेस ऑफ ईगो, वो मूषक पे बैठते हैं विच सिंबलाइजेज ईगो, सो यू नो क्रशिंग योर ईगो. सो ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स अगर आप इंक्लूड करें, little bit of music, meditation when you are traveling, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में हम देखते हैं लोग घंटों घंटों तक travel करते हैं, तो उनकी energy balance करने के लिए proper music अगर आप 2 minutes सुन सके या meditate कर पाए while you are traveling, या कोई अच्छी affirmations आप कर पाए, affirmation कुछ नहीं है but positive कुछ शब्द है जिन्हें साथ में जोड़ के बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें उनके जो work energy है, personal life है, उन पर काफ़ी हद तक असर करती है. किस तरह के म्यूजिक लोग सुने तुम्हें जरा? अगर आप स्ट्रेस की बात करें, अगर आप हल्का सी ब्रीज या अगर बैम्बू की जो म्यूजिक होती है वैसे टाइप का कुछ म्यूजिक, या मेडिटेटिव म्यूजिक आप जो सुने, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कुछ सुने, तो ये डेफिनेटली आपके एनर्जी को काम डाउन करने में और जो आप सोचना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, उसमें बहुत मदद करती है. बिग बॉस आप देख रही हैं? जी ओकेशनली देखती हूँ मैं. कौन विनर होगा? मोस्टली मुझे लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला में और आसिन में बहुत चांसेस है कि वो जीत सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों ही, जब मैंने मेरे कार्ड्स रीड आउट पुल आउट किए कि वो वाटर एनर्जी से बिलोंग करते हैं, यानी उनके फेवर और अगेंस्ट में दोनों, उनका इमोशन, वाटर मतलब इमोशंस, इमोशनल एनर्जीज उनकी वर्कआउट करती है, बट वही चीज़ उनके फेवर में भी वर्क करता है क्योंकि वो घर के लोगों से एज इन द बिग बॉस हाउस उनके लोगों से या अपने ऑडियंस से बहुत नॉर्मल नेचुरल कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ छुपाते नहीं है, जो इमोशनली है जैसे वो है वैसे ही दिख जाते हैं. सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू वर्क इन दैट. बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिट कौन है? वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, कौन है? ओके, सलमान खान. एक्चुअली आपने, आई वुड से यू हैव पुट द बेस्ट, सो सिलेक्टिंग वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आप वरुण धवन बोल लीजिए, सलमान खान बोल लीजिए, ऋतिक रोशन बोल लीजिए, या जिनका भी आप लोगों ने, टाइगर श्रॉफ का आप लोगों ने नाम लिया, उनका सबका ही एक रजीम है वो, या आप मेडिटेशन बोल लीजिए, कराटे बोल लीजिए, जिम बोल लीजिए, तो ये एक की चीज़ है जो आप उठा सकते हो अपनी लाइफ के लिए. अगर आप फेमस होना चाहते हैं, आप कहीं पहुँचना चाहते हैं, जो भी रजीम आपके लिए वर्क करे, या आप मेडिटेट करें, या आप एक्सरसाइज करें, जो भी चीज़ करें, बट ऐसा कुछ एक चीज़ आप अपने लिए पिकअप करें ताकि यू कैन बिकम द नेक्स्ट मिस्टर सो एंड सो. थैंक यू.